कोरोना महामारी के इस काल में देश भर में धर्म गुरुओं और संतों के द्वारा कोरोना से मुक्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान अत्यधिक किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कस्बा गोवर्धन के चकलेश्वर स्थित चकलेश्वर महादेव मंदिर पर मुड़िया संत रामकृष्ण दास एवं उनके शिष्यों द्वारा राष्ट्र एवं विश्व कल्याण हेतु एवं कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। मुड़िया संत रामकृष्ण दास द्वारा बताया गया कि एक तो सावन मास के शुभ काल में भगवान शिव का तीसरा सोमवार और उसके साथ ही सोमवती अमावस्या का पड़ना एक शुभ संयोग है, जो कि कई वर्षों में एक बार पड़ता है। इसी शुभ नक्षत्र और घड़ी में भगवान शंकर के समक्ष कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना के साथ इस रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे भारतवर्ष और विश्व का कल्याण हो और मानवता इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल हो। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। साथ ही महामृत्युंजय जाप से मनुष्य मृत्यु के पास से मुक्ति पाता है, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में कोरोना की जानलेवा आपदा आ पड़ी है, तो ऐसे में इस यज्ञ के करने से विश्व का कल्याण होगा और मानव जीवन का भय मुक्त वातावरण में सांस ले सकता है। क्या नाम है जी आपका? मुड़िया संत रामकृष्ण दास, राधा श्याम सुंदर मंदिर, चकलेश्वर। अरे आज आपने रुद्राभिषेक किया, सोमवती अमावस्या भी है, उसके साथ हवन भी किया है, क्या उद्देश्य है इसे लेकर? जी ये परम पावन तिथि है, ये मान लीजिए इस जो काल चल रहा है महामारी के काल में, और ये श्रावण महीना है और सोमवती अमावस्या है, इतना बढ़िया तिथि और इतना बढ़िया योग है। इस क्षण जो है भोले बाबा स्वयं धरती पे आते हैं और भक्तों के कल्याण करने के लिए उन्होंने भक्तों को मनोकामना पूर्ण करते हैं, और ये बड़ा ही सुखद और मंगलमय तिथि है। तो इस तिथि में विश्व कल्याण हेतु, विश्व की इस महामारी बीमारी से मुक्ति के लिए हम जो है आज महारुद्र अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र के जप एवं महामृत्युंजय की हवन आदि एवं रात्रि जागरण ये अनुष्ठान के आयोजन किए हैं। ये पूरा विश्व कल्याण के लिए